अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो रिश्ता मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है हमारी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए और हमारा साथ हमेशा के लिए बना रहे। तो दोस्तों, जो रिश्ता जो है, ये जो खातून है हमारी बहन, इनकी एज है 38 ईयर्स, यानी कि 38 बरस इनकी उम्र है। तो खूबसूरत हैं, सलीम हैं, लेकिन इनके जो शौहर थे पहले, उनका जो है इंतकाल हो गया है, यानी कि ये एक बेवा खातून हैं। तो ये जो खातून हैं, इनका नाम है मुबीना। मुबीना जो हैं, ये इनके जो हैं शौहर का जो है इंतकाल हो गया, बेवा हैं। तो इनकी जो उम्र है वो 38 बरस है। इसके अलावा 2 साल पहले इनके जो शौहर थे उनका इंतकाल हुआ था, और पिछले 2 साल से ही ये अपनी बहन के घर पे रहती हैं, क्योंकि वालदैन का इंतकाल हो गया था तो अपनी बहन के पास रहती हैं। और ये जो है मुबीना बीबी, इनकी जो हाइट है वो 4 फुट 9 इंच है। खूबसूरत हैं, सलीम हैं, अच्छी फैमिली से हैं। तो इसके अलावा इनकी 2 बेटियां भी हैं, और वो दोनों बेटियां इनके साथ ही रहती हैं। इनके शौहर के वफात के बाद इनके जो यानी कि देवर जेठ वगैरह थे, इसके शौहर के जो यानी कि घर वाले भाई बहन थे, उन्होंने इनको घर से निकाल दिया था, तो इसलिए ये जो है अपनी बहन के घर पे रहती हैं। तो मुसलमान है, फिरका सुन्नी है, और इनकी जो कास्ट है ये गुज्जर फैमिली से इनका ताल्लुक है। और इस वक्त अपनी बहन के घर पर ये कराची सिटी में रहती हैं। बेसिकली ये पंजाब से हैं, यानी कि इनके वालदैन का जो घर था वो पंजाब में था, तो लेकिन जो है अभी जो है अपनी बहन के घर पर रहती हैं कराची में। अच्छे खानदान से हैं, उर्दू स्पीकिंग है। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो ऐसे ही किसी फैमिली के जो है से रابطہ करना चाहते हैं शादी के लिए, इंतजार में हो ऐसे ही किसी रिश्ते के, वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम बहुत जल्द आपसे रابطہ कर लेंगे। लड़का जो है उसकी उम्र 50 साल तक हो, यानी कि 50 साल से ज्यादा ना हो, और वो पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो, मुसलमान हो, फिरका सुन्नी हो, जात बरादरी कोई भी हो। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।